महिला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी ठंड बहुत पड़ रही है, तो बुनाई करने वाली बहनों के लिए हमें कार्डिगन का डिजाइन बनाना बताएंगे। यह डिजाइन तितली आकार में है, तो इसलिए हमारे यहाँ इसको बटरफ्लाई डिजाइन भी कहते हैं। यह कार्डिगन में बहुत प्यारा लगता है और सरल है। यदि आपको बुनाई आती है तो आप इसे इजली बना सकते हैं। तो पहले छोटा सा सैंपल बना लीजिए। इसके लिए कोई भी सलाई ले लीजिए, दो सलाई लगेगी, और किसी भी कलर का ऊन ले लीजिए। अब सलाई में 21 फंदे डालेंगे। देखिए, अब इसमें 21 फंदे डालेंगे, उसके बाद डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले फंदे डाल लीजिए, 21 फंदे। देखिए, एक लाइन का डिजाइन 21 फंदे डाल के, ये डेमो है, एक लाइन की डिजाइन बन गई है। पहले डिजाइन कैसे बना है, यहाँ दो सीधे फंदे, फिर 5 फंदों को बिना बुने उठा लिए, फिर एक सीधा फंदा, फिर 5 फंदों को बिना बुने ऊन सामने रखना है। उसी ऊन से इस प्रकार डिजाइन बनेगा। पिछली सिलाई को पूरा उल्टा बुनाई किए हैं, पूरा उल्टा बुने हैं। उसके बाद जब 3 लाइन हो जाए, तो बीच वाले फंदे जो 5 लाइन का बुने नहीं सामने से और ऊन सामने रखे, उस ऊन का 3 लाइन बीच वाले के साथ बुनाई कर दी। देखिए, आप बताते हैं, इस लाइन बनने के बाद अब यहाँ डिजाइन बनेगी, यहाँ बनेगा, 2 डिजाइन अब बनेगा, फिर 3 बनेगा। देखिए, अब डिजाइन बदल रहा है, इसलिए 5 फंदे बुन लेंगे। पहले 5 हो गए। अब यहाँ से ऊन सामने इस प्रकार रखेंगे और 5 फंदों को उठा लेंगे, 4, 5। अब देखिए, ऊन को इस प्रकार सामने रखते हैं, पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जा करके एक सीधा फंदा, उसके बाद फिर ऊन सामने रखे और 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 ऊन इस प्रकार रखे और पीछे ले गए और इधर का पूरे फंदे फिर बुनाई कर लेंगे। बस 5 फंदों के लिए ऊन सामने रखना है। यह डिजाइन तितली आकार में बनेगा। देखिए, पिछली सिलाई पूरी उल्टी बुनाई करेंगे। ये देखिए, पिछली सिलाई पूरा एकदम सरल डिजाइन है। पहले आप छोटा सा सैंपल बना लीजिए। सामने से 3 बार ऊन को रखना है, चौथे सलाई में डिजाइन बनाना है। यह डिजाइन कार्डिगन में डालने से बहुत ही प्यारा लगता है। जो पहले 5 फंदे बुन लिए थे, उसको उसी प्रकार बुन लेना है और फिर ऊन सामने ले आए और 5 फंदे, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार बिना बुने उठा लिए, ऊन को पीछे ले गए और सिर्फ 1 फंदे बुन लिए, फिर ऊन सामने ले आए और फिर 5, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार 3 बार करना है। अब बचे हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। 4 सलाई के बाद डिजाइन अपने जगह से दाएं बाएं बदलते रहता है। पिछली सलाई पूरी उल्टी। देखिए, आप लोग ध्यान से देखो, सामने से 3 सलाई बुन चुके हैं। ये देखिए, 3 लाइन ऊन सामने हैं और पीछे से 3 उल्टा सलाई भी बुन चुके हैं। अब सामने से चौथी लाइन में आए हैं और ये जो 3 लाइन का ऊन सामने लिए हैं 5 फंदे का, इसी में डिजाइन बनेगा। सामने से 3, पीछे से 3 उल्टा बुन चुके हैं। चौथी सलाई में देखिए, 5 फंदे उठाते थे, उसमें से 2 फंदे बुन लेंगे। ये 2
तीसरे फंदे के साथ इस प्रकार तीनों लाइनों पकड़ लिए और उसके साथ इस प्रकार बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा एक डिजाइन बन गया। देखिए अब फिर उसी प्रकार बुन लेंगे। पांच फंदे का बीच वाले फंदे, अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गए, इसके बीच वाले फंदे के साथ उठाएंगे। दो फंदे आजू बाजू से बुन लेना है पांच फंदे का। ये देखिए ध्यान से, जो पांच फंदे हैं उसका दो फंदे बुन लिए, दो इधर से बुनेंगे, बीच वाला फंदा के साथ डिजाइन को इस प्रकार लेना है। ये देखिए अब ये दोनों फंदे सीधे, बस इसी प्रकार डिजाइन। अगली बार जब सामने आएंगे तो उसके दाएं बाएं से फिर पांच फंदे बिना बुने उठाएंगे। ये देखिए जैसे पहली बार यहाँ डिजाइन बना था, यहाँ बना है, अब फिर यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। इस प्रकार दाएं बाएं डिजाइन बदलते रहेगा। देखिए यह डिजाइन का सैंपल है, इसको एक बार आपको और बता देते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। पहली लाइन पांच सीधे फंदों को आगे से बिना बुने ऊन को सामने रखकर उठा लेना है, उसके बाद एक फंदा बुन लेना है, फिर पांच को बिना बुने ऊन सामने रखकर उसके बाद एक फंदा फिर बुन लेना है। इसी प्रकार पूरी सिलाई सामने से, पिछली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तीन बार ऊन सामने रखकर बुनना है, जब चौथी बार सामने आए तब सारे फंदों को बुनते हुए पांच फंदों के बीच वाला फंदा के साथ तीन लाइन का ऊन को सिलाई में फंसा कर एक साथ बुन देना है, पीछे पूरा उल्टा। अब आगे से जो फंदा पहले बुना जाता था उसके आजू बाजू से दो दो फंदा मिलाकर पांच फंदों को फिर बिना बुने ऊन सामने रखकर डिजाइन तैयार करना है। इस प्रकार यह डिजाइन हमेशा दाएं बाएं बदलते रहेगा। देखिए देखिए आपको यह वीडियो अच्छा लगे, यह डिजाइन अच्छा लगे तो कार्डिगन में डालिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि और डिजाइन आप पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।